हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस का जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, उनको पैसिव में चेंज करने का एक बहुत ही इजी रूल आज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, एक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, ठीक है। अब आप देखो, ऐसे सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, इनफैक्ट इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट होता है, जिसमें ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, सजेशंस होता है, बट यहाँ स्पेशली यहाँ रिक्वेस्ट है, क्योंकि सेंटेंस जो है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। और जब भी ऐसे सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, जब उनको पैसिव में बदलते हैं, तो एक बहुत ही इजी रूल इसके लिए है, इन वर्ड्स को हटा देते हैं और इनकी जगह स्पेशली यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। प्लीज या काइंडली को हटाएंगे और उसकी जगह इन वर्ड्स को पैसिव बनाने के लिए यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब यहाँ प्लीज को आप हटाएंगे पैसिव बनाने के लिए, पैसिव एक्टिव में तो प्लीज होगा, बट जब पैसिव आप पैसिव बनाओगे तो प्लीज को हटाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज किया किसके जगह, प्लीज की जगह। और अब जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है हेल्प मी, उसको यहां पे लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और आपका पैसिव तैयार। प्लीज जस्ट का दूसरा जो सिनोनिम्स है वो काइंडली है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, काइंडली को रिमूव करना है और उसकी जगह पैसिव बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर लिया आपने, काइंडली को हटा दिया और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर लिया। और जो अब रेस्ट ऑफ जो सेंटेंसेस है वहां यहां नोट कर लेंगे, गिव मी मनी, देन आपने देखा कितना इजी वे में ऐसे सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है, उन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाना बहुत ही इजी है। उन प्लीज और काइंडली को हटाते हैं, उनकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर देते हैं। प्लीज हट गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज हो गया और रेस्ट ऑफ सेंटेंस वहां नोट कर लिया, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। और जब पैसिव बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन है कि आप मेरी मदद करो, kindly give me money, कृपया मुझे पैसा दो। और जब आपने इसका पैसिव बना लिया you are requested to give me money, कृपया आपसे निवेदन है कि आप मुझे पैसे दो। हाँ, let's students, अभी आप देखो, अभी आपने प्लीज और kindly का यूज सीखा है, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जब प्लीज और kindly के साथ सेंटेंस में डू नॉट या डोंट का यूज हुआ होता है। सेंटेंस में दोनों चीजें होती हैं, प्लीज भी होता है, डू नॉट भी होता है, काइंडली भी होता है, डोंट भी होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करने के लिए बस छोटी सी चेंज करनी होती है। आपको क्या करना होता है, प्लीज या काइंडली या फिर डू नॉट या डोंट, इनको अगर सेंटेंस में एक साथ मौजूद है तो फिर आपको वही रूल यूज करना होता है, बट थोड़ी सी चेंज के साथ, यू आर रिक्वेस्टेड Not to, टू से पहले आपको क्या लगाना होता है, Not to, You are requested not to, आपको क्या यूज करना होता है, You are requested not to, means आपके पास सेंटेंस में don't भी है और आपके पास सेंटेंस में please भी है, तो आप इन दोनों सेंटेंस को रिमूव करोगे, सेंटेंस से दोनों वर्ड्स को रिमूव करोगे और ये आप यहां नोट करोगे, डोंट और प्लीज दोनों सेंटेंस रिमूव होंगे, एक्टिव में तो दोनों होंगे बट पैसिव में दोनों नहीं होंगे। पैसिव में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू,
यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, सेंटेंस से डोंट भी हट गया, सेंटेंस से प्लीज भी हट गया। अब क्या बचा, रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस आपके पास बचा है उसको यहाँ नोट करो। इंसल्ट द पुअर, क्या सेंटेंस हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। एक्टिव था, डू नॉट इंसल्ट द पुअर प्लीज, कृपया गरीबों का अपमान मत करो। आपने पैसे में चेंज कर लिया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, आपसे निवेदन है कि आप गरीबों का अपमान ना करें। सेकेंड सेंटेंस, काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। आपको क्या करना है, काइंडली को रिमूव करना है, डू नॉट को रिमूव करना है, दोनों को रिमूव करना है। दोनों रिमूव हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड Not to, ये दोनों वर्ड को रिमूव किया आपने, क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और फिर ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस आप यहाँ नोट कर दोगे। डिस्टर्ब मी, आपका पैसिव तैयार। एक्टिव क्या है, काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी, पैसिव क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। Kindly और do not दोनों को remove किया, उनकी जगह you are requested not to का use किया और rest of sentence को यहाँ पे note कर दिया, और आपका active से passive ready। I hope you understand well. Thank you.